दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची में बहुत ही बम्पर भर्ती निकली है। यदि आप झारखंड और बिहार के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बेसिकली झारखंड के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में वर्क करने के लिए, जॉब करने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचने के लिए। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे क्या वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें, आज वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आपको कोई भी कठिनाई हो रही है फॉर्म फिल करने में तो हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची एडवर्टीजमेंट नंबर 4 एक्ट 2018, ये ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड हाई कोर्ट का जो रांची में है। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो वैकेंसी निकली है वो किसके लिए निकली है। तो जो वैकेंसी निकली है वो सबसे पहले निकली है पोस्ट द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। असिस्टेंट जो पोस्ट कोड 1 है, पे स्केल 9300 से 34800 तक विद जीपी ऑफ आरएस 4600, ग्रेड पे क्या है 4600 है। प्री रिवाइज 7 पे कमीशन जो 44000 से 1042000 तक के अलाउंसेस है। उसके बाद जो पोस्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उसके बाद कैशियर है, उसके बाद ट्रांसलेटर है, जूनियर ट्रांसलेटर है, टाइपिस्ट है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी जो निकली हुई है वो असिस्टेंट के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 64 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 है, कैशियर के लिए 1 है, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 1 है, टाइपिस्ट के लिए 5 है। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, 64 वैकेंसी है। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन द कंप्यूटर विथ साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन कंप्यूटर। आपको कंप्यूटर का नॉलेज के साथ साथ आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आना चाहिए। उसके बाद जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है वो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड है कैशियर है वो कॉमर्स इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ट्रांसलेटर के लिए भी ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एंड जूनियर ट्रांसलेशन के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एंड जो सिक्स पोस्ट है टाइपिस्ट जो ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैविंग टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, प्रिफ्रेंस विल बी गिवेन टू द कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ टाइपिंग इन हिंदी ऑल्सो। बट हिंदी का टाइपिंग मैंडेटरी नहीं है, बट कोई भी स्टूडेंट जिसको हिंदी आता है उसको ज़्यादा प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। उसके बाद आती है एज ऑन 28, एज क्या होना चाहिए, तो 1/8/2018 के लिए एज जो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए और अपर एज होना होगा 35, और वोमेन के लिए अपर एज होगा 38, एंड डिसेबिलिटी एबल के लिए पीएस 40 होगा। तो ये बेसिकली अलग अलग एज है जो आपको एज में जो भी रिजर्वेशन मिलता है उसके अकॉर्डिंग सारे रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन द कैंडिडेट बिलोंग द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। तो आप कोई भी रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपको जो झारखंड का कैंडिडेट है तब भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करता है तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। तो फैसिलिटी फॉर द डिसेबल कैंडिडेट, डिसेबल कैंडिडेट के लिए ये सारे फैसिलिटी दिया गया है। तो आपको सबसे पहले फॉर्म सबमिट कैसे करना है, इनक्लोज टू बी सबमिट इन स्पेस प्रोविंड द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको जो भी फॉर्म फिल करना है वो ऑनलाइन मोड में होगा, कोई फॉर्म ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। स्कैन फोटोकॉपी ऑफ सिग्नेचर, जो ये सारे डॉक्यूमेंट जो भी हर एक आप कोई भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करते होंगे तो कॉमन में यही सारे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। तो स्कैन कॉपी ऑफ द आपका सर्टिफिकेट होगा, फोटो होगा, सिग्नेचर होगा, तो उसके थ्रू आप सारे करके स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद फ़ी की बात करते हैं, फ़ी का जो 500 फी है और 125 है वो SC/ST कैटेगरी के लिए है। सो उसके बाद यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो आप इसको
शुरू से अंत तक पढ़ें। फॉर्म को फिल करने से पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन इट विल फिल्ड ऑन द इंग्लिश ओनली। जो भी फॉर्म फिल किया जाएगा वो इंग्लिश में फिल किया जाएगा। उसके बाद सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी फिल्ड अप फॉर ईच पोस्ट। आप अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिफ्रेंस दिया हुआ है, आप अलग अलग डाल सकते हैं। द कैंडिडेट शुड पोस्ट साउंड हेल्थ गुड मॉरल करेक्टर एंड द शुड बी इन्वॉल्व इन रिलेटेड टू एनी क्रिमिनल केस और एनी टाइप ऑफ द ऑफेंस। तो आपके पास कोई भी गुनाह केस कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सारे बेसिक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन 18 इंस्ट्रक्शन है, तो कंप्लीट शुरू से अंत तक पढ़ें। उसके बाद ये जो बेसिक जो लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फिल करने का वो 10th of अक्टूबर है। तो उससे पहले आप एग्जामिनेशन का फी सारे चीज़ फिल कर दें ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही वीडियो रेलवे एग्जामिनेशन लेटेस्ट गवर्नमेंट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को प्रेस करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।